जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि चार्जर पे लगे सिंबल हमें क्या दर्शाते हैं और दोस्तों इसको हमें लाइफ में क्यों यहाँ पे याद रखना चाहिए और इसको दोस्तों हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट आपको मैं बता दूँ कि दोस्तों जब आप नया मोबाइल लेते हैं इसके साथ जो चार्जर आता है दोस्तों वो तो हमेशा यहाँ पे स्टैंडर्ड रहता है और दोस्तों जो इसका मोबाइल बनाया गया उसके डिज़ाइन के हिसाब से ही वहाँ पर चार्जर बनाया गया। तो वहाँ पर दोस्तों हमें इसका सिंबल याद रखें या ना रखें हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि दोस्तों ऑटोमेटिक वहाँ पर तो सब फंक्शन यूज़ होते रहते हैं। पर दोस्तों दिक्कत कहाँ आती है कि जब हम अगर हमारा मोबाइल का चार्जर खराब हो गया या तो फिर कोई हमारा कोई पुराना मोबाइल है उसके लिए कोई मोबाइल चार्जर लेना चाहते हैं नया, तभी हम मार्केट में जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे हम मार खा जाते हैं क्योंकि दोस्तों जब हम मार्केट में नया चार्जर लेने जाते हैं दोस्तों वहाँ पे हमें पूरी जानकारी नहीं होती, इसीलिए हम दोस्तों यहाँ पे फेक चार्जर या तो लोकल चार्जर लेके यहाँ पे घर पे आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक महीना दो महीना चलता है, इसके बाद दोस्तों मोबाइल को भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसके बाद दोस्तों वो चार्जर यहाँ पे जल जाता है या तो ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि सिंबल को आपको ध्यान में रख के दोस्तों यहाँ पे चार्जर को परचेज करना है जिससे आपको दोस्तों स्टैंडर्ड क्वालिटी मिले और दोस्तों एक अच्छा आउटपुट मिले। वैसे दोस्तों देखा जाए तो चार्जर में बहुत सारे यहाँ पे सिंबल आते हैं पर दोस्तों हमने यहाँ पे पाँच को यहाँ पे कंसिडर किया है। दोस्तों हम पाँच के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आपको यहाँ पे इसको याद रखना चाहिए। इसके बाद जो छोटे मोटे आते हैं दोस्तों वहाँ पे यूज़ नहीं होते और कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया होता है दोस्तों इसको यहाँ पे सिंबल को दर्शाना ही पड़ता है तो इसके लिए कंपनी दर्शाती है दोस्तों, पर दोस्तों वो हमारे यूज़ के नहीं होते। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों जो कि चार्जर का फर्स्ट आता है यहाँ पर सिंबल जो कि स्क्वायर सिंबल जो कि दोस्तों दो डब्बे में ऐसे बना जाता है जैसे कि ऊपर लाइन इसके नीचे एक लाइन जैसे कि मैं आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट ये सिंबल दर्शाता है दोस्तों कि इसमें जो कंपोनेंट यूज़ किए गए इसका जो केबल आता है दोस्तों वो डबल इंसुलेटेड है जिससे हमें शॉक लगने का बिल्कुल डर नहीं रहेगा। या तो फिर दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा जो चार्जर का केबल होता है दोस्तों उसका जो वायर होता है वो तार होता है वो दोस्तों निकल जाते हैं तो इससे भी हमें शॉक लगेगा बिल्कुल यहाँ पर डर नहीं रहेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डबल इंसुलेटेड है जिससे यहाँ पर केस को यहाँ पर टच नहीं होगा कोई भी इक्विपमेंट या तो फिर फटने का यहाँ पर डर नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये हमारे सेफ्टी के लिए दोस्तों इसको हमें बार बार यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों मोबाइल की भी सेफ्टी यहाँ पर हो जाती है और दोस्तों हमारी भी सेफ्टी यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों ये सेफ्टी सिंबल है तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसको दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर पे आता है हमारा होम सिंबल जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे देख के ही पता चल गया होगा कि दोस्तों ये क्या दर्शाता होगा। दोस्तों ये दर्शाता है कि इस चार्जर को आप यहाँ पे घरों में ही इस्तेमाल करें, कोई जिन बाहर या तो सनलाइट में या तो दोस्तों आप कोई ऐसे इंडस्ट्री में यूज़ ना करें जहाँ पे दोस्तों अगर हाई वोल्टेज आते हुए, क्योंकि दोस्तों हमारे घरों में यहाँ पे 220 वोल्ट आते हैं दोस्तों, इसे हम इस वोल्टेज पे यूज़ कर सकते हैं उसको या तो फिर आप सनलाइट में इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों सनलाइट में क्या होता है कि हीट ऑलरेडी होता है और उसके बाद जो इसके कंपोनेंट होते हैं वो भी हीट होते हैं तो दोस्तों यहाँ पे फटने का बहुत डर रहता है दोस्तों, फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कंपनी बोलती है इस सिंबल के हिसाब से कि दोस्तों आपको यहाँ पर इसको वो घरों में इस्तेमाल करना है दोस्तों, यहाँ पर बाहर में ना करें या तो फिर कोई ऐसे हाई वोल्टेज आ रहा है दोस्तों वहाँ पर भी ना करें। आप दोस्तों इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहे हैं तो कभी कंपनी में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे 440 थ्री फेज या तो फिर इससे भी हाई वोल्टेज वाले यहाँ पे ये कनेक्शन किए होते हैं तो दोस्तों अगर हमें पता नहीं लगेगा दोस्तों हम वहाँ पर लगा देंगे तो वहाँ पर दिक्कत होने वाली है। पर दोस्तों यहाँ पर जो घरों में तो हमारे नॉर्मली यहाँ पर 220 वोल्टेज ही आते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इसलिए ये सिंबल दर्शाता है दोस्तों कि आपको इसको घरों में ही यूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है हमारा जो कि वी सिंबल, दोस्तों ये हम आपको बता दूं कि ये रोमन गिनती में यहाँ पे वी नहीं फाइव है जो कि दोस्तों हमें वी जैसा लिख रहा है पर दोस्तों ये रोमन गिनती में लिखा गया है फाइव। दोस्तों ये बताता है कि जो चार्जर की पावर एफिशिएंसी है वो दोस्तों फाइव है। दोस्तों कहीं कहीं ऐसे कंट्री में वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पावर एफिशिएंसी फोर भी लिखा जाता है तो दोस्तों इस चार्जर की एफिशिएंसी है वो दोस्तों यहाँ पे फोर है या तो दोस्तों इस पे वी लिखा गया दोस्तों इसकी मतलब होता है यहाँ पे फाइव है। तो दोस्तों इसको यह पावर एफिशिएंसी है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में ले सकते हैं दोस्तों। ये कभी किसी चार्जर में होंगे दोस्तों जैसे कि रियल मी में दोस्तों देखने को मिल जाता है, वैसे दोस्तों यहाँ पे सैमसंग में दोस्तों को देखने को नहीं मिलता ऐसा कुछ है, पर दोस्तों इसको आप ज़्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि दोस्तों इसका आउटपुट ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है चौथे नंबर पर जो कि डस्टबिन, वो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके लिए हमारे पास किसी के पास भी टाइम नहीं है, पर दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों यहाँ पे ये सिंबल की मदद से दोस्तों ये कंपनी ये बताना चाहती है कि जब आपका चार्जर खराब हो जाए या तो फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए इसके बाद दोस्तों आपको इसको डस्टबिन में या तो फिर कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। दोस्तों इसको हमें रिटर्न कर दीजिए जिससे हमें कुछ कंपोनेंट अगर अच्छे है तो उसको निकाल के हम रिकवर कर सकें या तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए छोटी मोटी है तो उसको फिर हम दोबारा रिकवर करके दोस्तों इसको मार्केट में ला सकें, पर दोस्तों इतना टाइम किसी के पास नहीं है क्योंकि दोस्तों कौन पोस्ट में इसको एड्रेस के जरिए दोस्तों सेंड करेगा तो दोस्तों वही दिक्कत होने वाली है दोस्तों, इसका टाइम किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों इसको भी आप अगर ध्यान में ले या ना ले इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं, तो दोस्तों ये हर इक्विपमेंट के साथ लगा जाता है दोस्तों, ये सिंबल होता ही है डस्टबिन क्रॉस वाला।
इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट सिंबल आता है जो कि दोस्तों यहाँ पे आप बोल सकते हैं ISI या तो फिर स्टैंडर्ड सिंबल, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी यहाँ पे चार्जर बनाते हैं दोस्तों उसमें जो टेस्टिंग के यहाँ पे इक्विपमेंट के दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग होते हैं वो दोस्तों यहाँ पे रूल्स बनाए गए, जैसे 5 हो गए, 10 हो गए, जो भी रूल्स बनाते हैं दोस्तों, कि अगर हाई वोल्टेज हो गया तो चार्जर पे क्या रिएक्शन पड़ेगा, अगर लो वोल्टेज हो गया 220 से कम मिलेगा 180 मिलेंगे या तो फिर 220 की जगह 250 मिलेंगे तो दोस्तों मोबाइल को कितना नुकसान होगा या तो फिर चार्जर पे क्या रिएक्शन होगा। इसके बाद दोस्तों अगर कोई ज़्यादा स्पार्क हो गया तो हैवी कोई वोल्टेज आ गया दोस्तों तो इसके साथ क्या होगा, अगर मोबाइल आपका चार्जर हो गया तो फुली चार्ज होने पर ऑटोमेटिक बंद होता है या नहीं होता दोस्तों, वो सारे यहाँ पे टेस्टिंग होते हैं। इसके बाद यहाँ पे मार्केट में लाया जाता है क्योंकि दोस्तों टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। वो दोस्तों यहाँ पे लोकल चार्जर होते हैं उसमें दोस्तों ये सिंबल आपको देखने को नहीं मिलेगा।